नमस्कार दोस्तों मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल निवेश ज्ञान में तो दोस्तों अगर आप भी इन सारी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं आई म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किए गए अपने नए एन एफ ओ आई डी एफ सी यूएस इक्विटी फंड ऑफ फंड के बारे में जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाला है ओवरसीज इक्विटीज में यानी कि यही सब कंपनी के स्टॉक्स के अंदर तो ये एन ओपन हुआ है 29 जुलाई 2021 को और ये क्लोज होने वाला है 12 जुलाई 2021 को और ये स्कीम री ओपन होगी अलॉटमेंट होने के बाद पाँच बिजनेस डेज यानी कि वर्किंग डेज के अंदर तो ये शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो ये एक फंड ऑफ फंड प्रकार की स्कीम है तो इसका मतलब ये है कि ये स्कीम डायरेक्टली किसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी लेकिन दूसरी म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट करने वाली है इसे कहते हैं फंड ऑफ फंड और हमारा ये जो आई म्यूचुअल फंड का एन है आई डी एफ सी यू इक्विटी फंड ऑफ फंड तो ये एन एफ ओ ओवरसीज इक्विटीज में यानी कि यूएस की इक्विटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है मतलब कि हमने जो पहले कंपनीज देखी थी उसी कंपनीज के स्टॉक्स के अंदर इस एन में इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो अब हम इस एन के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर नाइन्टी फाइव से लेके हंड्रेड परसेंट तक इन्वेस्टमेंट होने वाला है ओवरसीज म्यूचुअल फंड एंड ई के यूनिट्स या तो फिर शेयर्स में और जीरो से लेके पाँच परसेंट तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में दोस्तों अब हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहेगा नाइनटी से लेकर हंड्रेड तक के ओवरसीज इक्विटी स्टॉक्स में तो अब हमें यह जानना है कि इस एनएफओ में कौन-कौन से ओवरसीज इक्विटीज या तो फिर कौन-कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो यहाँ पर सबसे पहला जेपी मॉर्गन फंड यूएस ग्रोथ फंड दूसरा है आई शेयर रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ और तीसरा है वैनगार्ड रसेल 1000 ग्रोथ ईटीएफ दोस्तों यहां पर एक ग्रोथ स्कीम है और दो एक्सेट्रेटेड फंड की स्कीम है तीनों स्कीम में एक कॉमन बात है और वो है उसका बेंचमार्क रशेल रशियल थाउजेंड टोटल रिटर्न इंडेक्स तो इसके लिए हम सबसे पहले जानकारी लेते हैं उसके बेंचमार्क के बारे में तो दोस्तों रशेल थाउजेंड टोटल रिटर्न इंडेक्स एक यूएस बेस्ड बेंचमार्क है जो कि 1984 में लॉन्च हुआ था और इसे ओन एंड ऑपरेट करता है एफ रसेल ग्रुप जो कि यू बेस्ड है इस इंडेक्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर यूएस की टॉप थाउजेंड कंपनीज शामिल है मतलब कि यूएस की जो टॉप की एक हजार कंपनी है वो सभी इस इंडेक्स के अंदर शामिल है और ये इंडेक्स रशेल 3000 इंडेक्स का एक हिस्सा है और यूएस इक्विटी का बानवे प्रतिशत हिस्सा रसेल 1000 इंडेक्स में कवर होता है अट्ठाईस फेबर 2021 तक के आंकड़ों के हिसाब से इस इंडेक्स में 1013 होल्डिंग्स थे इस इंडेक्स का एवरेज मार्केट कैपिटलाइजेशन है चार बिलियन यूएस एस डॉलर इस इंडेक्स में जो टॉप की कंपनी है मतलब की जो लार्जेस्ट कंपनी है वो है एप्पल इसका मार्केट कैप है टू ट्रिलियन यूएस डॉलर्स तो अब बात करेंगे हम इस इंडेक्स के टॉप सेक्टर्स एंड टॉप होल्डिंग्स के बारे में तो इसका टॉप सेक्टर्स है टेक्नोलॉजी कंज्यूमर हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज टॉप टेन होल्डिंग्स में है एप्पल माइक्रोसॉफ्ट फेसबुक टेस्ला अल्फाबेट जॉनसन एंड जॉनसन बैक्सायर है एक साल का रिटर्न है थर्टी सिक्स पॉइंटेज एंड वाई टी है सिक्सटीन पॉइंट सिक्सटी सिक्स परसेंटेज तो दोस्तों ये थी जानकारी इस इंडेक्स के टॉप होल्डिंग्स एंड टॉप सेक्टर्स के बारे में और उसके रिटर्न के बारे में तो अब हम वापस आते हैं अपने तीन अंडरलिंग फंड्स के ऊपर जिसके अंदर हमारा ये आई का एन इन्वेस्टमेंट करने वाला है इसमें सबसे पहली स्कीम थी जेपी मॉर्गन फंड्स यूएस ग्रोथ फंड ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जेपी मॉर्गन यूएस की एक बहुत ही बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और ये स्कीम इसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का एक फंड है इस स्कीम को मॉर्निंग स्टार के द्वारा फोर स्टार रेटिंग दिया गया है इसका बेंचमार्क रसेल रसल थाउजेंड टोटल रेटर इंडेक्स है अब हम यहाँ पर ग्राफ देखेंगे इसके परफॉर्मेंस का अब हम देखेंगे इस स्कीम के टॉप टेन होल्डिंग्स के बारे में एंड सेक्टर्स के बारे में जो कि कंपेयर टू बेंच है यहाँ पर मार्केट कैप परसेंट यूएसडी है और ये एक

सिंस का रिटर्न दिखाया है जिसमें एन स्कीम एंड बेंचमार्क सबका रिटर्न इसमें दिखाया है तो ये था इसका परफॉर्मेंस अब हम देखेंगे इस दोस्तों ये थी जानकारी हमारे दूसरे अंडरलिंग स्कीम इसका नाम है आयशेल थाउजेंडीएफ के बारे में और ये एक प्रकार की स्कीम है, तो अब हम जानकारी लेंगे हमारे तीसरे अंडरलिंग स्कीम के बारे में इसका नाम है वैनगार्ड रशेल थाउजेंड ईटीएफ टी ये भी एक ईटीएफ प्रकार की स्कीम है वैनगार्ड दुनिया की एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ये कंपनी 1975 में शुरू हुई थी और आज पूरी दुनिया में 7.2 ट्रिलियन यूएस डॉलर जितना एयूएम है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है और जैसे कि हमने आगे देखा इसका भी बेंच मार्क रशेल थाउजेंड टोटल रिटर्न इंडेक्स है इस स्कीम के अंदर भी यूएस की टॉप की थाउजेंड कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट होता है अब यहाँ पर है ईयर वाइज एनुअल रिटर्न का ग्राफ और वो है 2011 से लेके 2019 तक का तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी तीन उन्नीस फंड्स के बारे में जिसके अंदर हमारा आई का जो एन है वो इन्वेस्टमेंट करने वाला है तो अब हम बात करेंगे इस एन की एन डिटेल्स के बारे में तो यहाँ पर प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर ऑप्शंस अवेलेबल है ग्रोथ एंड डिविडेंड मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है पाँच हज़ार रुपये और एक रुपये के मल्टीपल्स में और एडिशनल परचेज अमाउंट है एक हज़ार रुपये और एक रुपये के मल्टीपल्स में और एस आई के लिए भी एक हज़ार रुपये और एक रुपये के मल्टीपल्स में लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड नील है एग्ज़िट लोड में एक साल से पहले अगर कुछ भी रिडम्स स्विच तो एक परसेंट का एग्ज़िट लोड एप्लीकेबल है और एक साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है स्कीम का रिस्क है वेरी हाई तो आपको इसी प्रकार से इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अब हमें देखना है कि हम इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं तो सबसे पहला और आसान तरीका है कि आई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर लॉग इन करके वहां से आप इस स्कीम के अंदर आसानी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दूसरा ऑप्शन है कि आप किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के जरिए इस एन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और तीसरा ऑप्शन ये है आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इस स्कीम के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना है कि रेगुलर प्लान में लेकिन एक बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस एन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह और शैल तो अब हम समरी देखेंगे ये एन एफ ओवरसीज इक्विटीज में यानी कि यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं एन डेट्स है उनतीस जुलाई से बारह अगस्त तक यहाँ पर हमने इसके एसेट एलोकेशन के बारे में जानकारी ली इसके अंडरलाइन फंड कौन कौन सी यू की स्कीम में यह इन्वेस्टमेंट करने वाला है यहाँ पर हमने रशल थाउजेंड इंडेक्स के बारे में भी जानकारी ली बाद में हमने देखा एन एफ डिटेल्स के बारे में और अंत में हमने देखा कि इस स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आपको इस वीडियो में क्या पसंद आया ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे जैसे सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके पास कोई म्यूचुअल फंड अकाउंट नहीं है तो एंजल ब्रोकिंग के साथ आज ही अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट ओपन करें जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आपको मिल जाएगी तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ मिलते अगले वीडियो में ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ जय हिंद जय भारत